तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन सुखा गाइस। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम चिकन। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, आधा स्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर, अब डालेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च। एंड अब इसमें डालेंगे गाइस 1/2 कप मैंने यहाँ दही लिया है यानी कि कर्ड। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, इसे अच्छे से मैरिनेट कर दीजिए गाइस। अब इसे हम कवर कर देंगे फॉर 130 मिनट्स। अब यहाँ मैंने लिया है खड़ा मसाला गाइस, आप देख सकते हो। इसमें अब डालेंगे जो खड़ा मसाला हमने लिया था वो। तो गाइस ये फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 ओनियन जो मैंने चॉप किया था। तो गाइस इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चिली जो मैंने लॉन्ग कट किया है। अब डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। अब डालेंगे 3 चॉप्ड टोमेटोस। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक गाइस। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑफ चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड जीरा पाउडर गाइस। तो गाइस देखिए मसाले कितना अच्छे से हो गया। तब इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन गाइस। गाइस इसे आप अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करके मतलब जो मसाला है वो फुल कुक होना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस मैं इसे अभी कवर कर रही हूँ एक प्लेट से, और उस प्लेट के ऊपर आप थोड़ा सा एक ग्लास पानी डाल दीजिए, क्योंकि उसी पानी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रेवी। तो गाइस देखिए चिकन के खुद के मतलब पानी से कैसे कुक हो चुका है अभी। तो गाइस हमने जो प्लेट में पानी यूज़ किया था वो हम डालेंगे फॉर ग्रेवी। तो गाइस हम डाल रहे हैं अभी 1 स्पून ऑफ चिकन मसाला। एंड गरम मसाला, हमेशा गरम मसाला नॉनवेज जब करते हैं तो लास्ट डालिए। तो गाइस मैं इसे अब अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद गाइस मैं फिर से इसे कुक होने दूँगी एक फॉर 10 मिनट्स। तो गाइस यहाँ चिकन सूखा हो चुका है, देखिए कितना लाजवाब हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। एंड साइनिंग ऑफ आपकी अनु।